नमस्कार। आज की कला आई है भारत के कच्छ हिस्से से। मिट्टी और शीशे के काम को लिप्पन काम कहा जाता है और आज हम जानेंगे इसी लिप्पन काम के बारे में। ये कच्छ का एक पारंपरिक भित्ति शिल्प है, इसे चित्तर काम भी कहा जाता है। लिप्पन काम की उत्पत्ति अज्ञात है। कच्छ में विभिन्न समुदाय कीचड़ से राहत का काम करते हैं और लिप्पन काम की अपनी एक अलग शैली है। इससे लिप्पन काम की जड़ों का पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। कच्छ में अधिकांश समुदाय गोलाकार मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिन्हें भूंगा के नाम से जाना जाता है। उनके पास फूस की छतें हैं। यह आवास कच्छ की कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए वर्षों से विकसित हुई है। आमतौर पर भूंग अकेले मिट्टी या बांस के चिप्स से बने होते हैं, जिन पर लिप्पन, मिट्टी और गोबर का मिश्रण होता है। छतें लकड़ी पर आधारित और फूस की है। लिप्पन काम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आटा बनाने के लिए गोबर और मिट्टी को समान अनुपात में मिलाकर गूंद लिया जाता है। आटे के छोटे छोटे हिस्सों को हथेलियों के बीच या फर्श पर बेलकर अलग अलग मोटाई के बेलनों में आकार दिया जाता है। इसके बाद इसे नम सतह यानी दीवार या लकड़ी के पैनल पर चिपकाया जाता है, जिस पर सजावटी कलाकृति बनाई जाती है। प्रत्येक कलाकृति आमतौर पर पहले कलाकृति की सीमा को परिभाषित करने वाली रेखाएं बनाने के लिए आटे का उपयोग करके शुरू होती है। मोटिव्स तब बेस रिलीफ में बनाए जाते हैं, ज़्यादातर हथेलियों और उंगलियों का उपयोग करके और मिट्टी के मिश्रण को आकार देकर स्मृति द्वारा मुक्त किया जाता है। रूपांकनों को समृद्ध और प्रसिद्ध कढ़ाई पैटर्न से प्रेरित किया गया है और एक बार दीवारों के बन जाने के बाद वे मिट्टी के काम में लगे दर्पणों यानी कि मिरर के साथ आश्चर्यजनक लगते हैं, बहुत कुछ कढ़ाई की तरह। उपयोग किए गए मिरर को आभला कहा जाता है और वे विभिन्न आकारों में आते हैं, जैसे कि गोल, हीरा और त्रिकोणीय। लगभग 4-5 दिनों में मिट्टी के सूख जाने के बाद कलाकृति के ऊपर सफ़ेद मिट्टी की परत पेंट की जाती है। सफ़ेद इस दलदली भूमि की रेत से आता है, जो नमक की मात्रा से भरपूर है। ओरिजिनली लिप्पन काम सफ़ेद या न्यूट्रल रंगों में ही होता है, लेकिन कभी कभी लाल या हरे जैसे चटक रंगों का भी इस्तेमाल देखा जा सकता है। Thank you.